हाय ऑल, फोन है तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए और चुटकियों में हो जाता है। फ़ोन के थ्रू हमारे डेली लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है फ़ोन। एंड आपको ये भी मालूम होगा इतना फ़ोन यूज़ करने से एंड जिस तरीके से हम फ़ोन को यूज़ करते हैं आजकल कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको नेक एंड स्पाइंस की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल पेन जैसा इशू हो सकता है, नर्व्स आपकी नम हो सकती हैं एंड मसल स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक सेकेंड, क्या मैं आपको डरा तो नहीं रही? आई होप आप डर रहे हो, क्योंकि सीरियसली पीपल, आपको अपने मोबाइल यूज़ करने से होने वाली प्रॉब्लम से ज़रूर डरना चाहिए। सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत ही पेनफुल होती है, पूछना किसी से जिसको हो। इस तरह से मोबाइल यूज़ करने को टेक्स्टिंग नेक पोजीशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी भी आगे मूव करती जा रही है एंड आपकी नेक एंड बैक भी, यह बहुत सारे लोगों में आम होती जा रही है। आगे की तरफ गर्दन झुकी होना पहले ओल्ड एज में ही होता था, अब 16 साल का बच्चा जो फोन यूज करता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आसानी से देखने को मिलती है। एंड स्मार्टफोन का यूज बंद कर देना इज नॉट द ऑप्शन, बल्कि कुछ ऐसे मैं आज आपको प्रैक्टिकल वेज बताने जा रही हूँ जो कि आपकी नेक एंड बैक की मसल्स पे भी दबाव नहीं बनाएंगे एंड आप फोन भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट फर्दर डिले आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल हेल्थ बाय चॉइस। कैसे आपको अपना फ़ोन यूज़ करना चाहिए खड़े होते वक्त एंड बैठते वक्त, और कैसे आप सही तरीके से अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैंडिंग एंड टेक्स्टिंग। आपको खड़े रहते समय अपना फ़ोन कैसे यूज़ करना चाहिए, ये थोड़ी सी मुश्किल पोजीशन है अडेप्ट करने के लिए। इसमें आपको इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे रखना है, रिब केज से होते हुए ऐसे रखना है। अपने राइट हैंड की एल्बो को लेफ्ट हैंड पे सपोर्ट करें एंड अपने आप राइट हैंड से मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ टाइम में आप साइड स्विच करते रहें ताकि आपकी एक हाथ की मसल्स पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े एंड आप थके ना। ऐसे में टाइप करने के लिए आप दोनों हाथ की एल्बो को अपने रिब्स पे रखें सामने की तरफ एंड ध्यान रखें आपका फ़ोन आपके आई लेवल पे हो। सेकंड है डेस्क वर्क एंड टेक्स्टिंग। टेबल चेयर यूज़ करते वक्त आपको किस तरीके से फ़ोन को पकड़ना चाहिए, इसके लिए आप सीधे बैठें चेयर पे इस तरीके से एंड अपनी एल्बो को डेस्क पे रखें इस तरीके से सामने की तरफ एंड फ़ोन को अपने आई लेवल पे रखें। थर्ड है सिटिंग एंड टेक्स्टिंग। बैठते वक्त आपको मोबाइल कैसे हैंडल करना है, इसके लिए आप अपने डेस्क या चेयर पर थोड़ा सा आगे की तरफ आके बैठें एंड थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर ध्यान रखें, ऐसे में आपकी कमर सीधी हो एंड अपनी एल्बोज को अपनी नीज पे रखें एंड अपने फ़ोन को आई लेवल पे रख के यूज़ करें। फोर्थ इज फ्लोर सिटिंग एंड टेक्स्टिंग। जमीन पे नीचे बैठते वक्त मोबाइल को कैसे यूज़ करें, इन दिस पोजिशन आप नीचे जमीन पे या तो वॉल के सहारे बैठ सकते हैं या इस तरीके से डेस्क के आगे बैठ सकते हैं। इसमें आपकी नीज सामने की तरफ हो एंड अपने एल्बोज नीज पे इस तरीके से रखें एंड फोन को आई लेवल पे रख के यूज करें। इन सारी पोजिशंस को ध्यान रखें, इसके अलावा ये कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें। फर्स्ट इज ध्यान रखें, आप जब भी फोन यूज करें अपने आई लेवल पे रख के ही करें, इससे आपकी स्पाइन न्यूट्रल पोजिशन में रह पाती है, आपकी गर्दन भी सीधी रहेगी एंड शोल्डर भी पीछे की तरफ रहेंगे एंड आपको नेक एंड बैक की प्रॉब्लम्स में भी काफी रिलीफ मिलेगा। सेकेंड इज आपका हाथ हवा में इस तरीके से बिना किसी सपोर्ट के ना हो, इससे आपकी शोल्डर्स की मसल्स पे दबाव पड़ता है एंड जिससे फिर आपकी नेक की मसल्स पे भी दबाव पड़ने लगता है। थर्ड इज ध्यान रखें, जब भी आप फोन यूज कर रहे हो अपनी एल्बोस को कहीं सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करें। फोर्थ इज अपने फोन को कम ब्राइटनेस पे चलाएं, स्पेशली रात में, इससे आपके आई के फोटो रिसेप्टर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। बट आई रिकमेंड यू आप रात में फोन यूज ना ही करें। रात में भी सोशल मीडिया नेटफ्लिक्स देखना इज नॉट गुड फॉर योर गुड स्लीप, इंस्टेड आप बुक पढ़ सकते हैं या अमेजोन इको पे न्यूज सुन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोन को कम ही यूज करें। अवेयर होना इज द फर्स्ट स्टेप कोई भी चेंज लाने के लिए। अवेयर रहें एंड ये सारे सिंपल चेंजेस लाएं अपने डेली लाइफ में ताकि आप फोन यूसेज के नेगेटिव इफेक्ट्स को आसानी से कम कर पाएं। अगर आप भूलते हो बीच बीच में, अपने आप को याद दिलाते रहें दोबारा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं किस तरीके से आप अप्लाई करने वाले हैं ये चीज़ें एंड कोई सजेशन हो आपका या और कोई क्वेश्चन। थोड़ा सा और अवेयर हो जाइए एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हेल्थ बाय चॉइस को। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हेल्थ बाय चॉइस के पेज को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें एंड आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो पाए मोबाइल यूज़ करने के सही तरीके से। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।